ट्रूकॉलर से आप अपना नंबर जब भी अनलिस्ट करते हैं गूगल पे जाके या फिर क्रोम पे जाके, तो नंबर अनलिस्ट करते टाइम आपके सामने अगर इस तरीके से इधर देखने को मिलता है, वेरिफिकेशन लिमिट रीच्ड, टू मैनी वेरिफिकेशन अटेम्प्ट्स हैव बीन मेड, प्लीज ट्राई अगेन लेटर, तो ये आपको एरर देखने को क्यों मिल रहा है और इसका क्या मतलब है और आपका नंबर अब जो अनलिस्ट है होगा या नहीं होगा और फिर होगा तो कितने टाइम के बाद होगा, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सो गाइस, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। तो देखिए, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जब भी आप अपने नंबर को अनलिस्ट करते हैं तो वहाँ पर आपको पता भी नहीं चलता और आप जो है काफ़ी बार जो है वहाँ पे मोबाइल नंबर डाल के अनलिस्ट करने की कोशिश करते हैं और यहाँ पे हमें कुछ अटैम्प्ट्स मिलते हैं, 3 से 4 बार आप ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप नंबर अनलिस्ट करने की कोशिश करते हैं तो जो है वहाँ पे आपका जो है अटैम्प्ट्स की जो रीच है वो पूरी हो जाती है, लिमिट पूरी हो जाती है। उसके बाद अब बात करते हैं कि यार ये अब हमारा अनलिस्ट कैसे होगा और कितने टाइम के बाद होगा। तो आपको सिंपली यहाँ पे अपना माइंड ज़्यादा यूज नहीं करना, इतनी बड़ी कोई बात नहीं है, आपको सिंपली 24 आवर्स का वेट करना है, उसके बाद आपको ट्राई करना है, इजीली आपका जो मोबाइल नंबर है ट्रूकॉलर से अनलिस्ट हो जाएगा।